हम लोग जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं चुनाव। कुरन्नी जय भाजपा। इधर धन बल यहाँ जनशक्ति समर्थन आदमी का है और महागठबंधन का जो गुंडागर्दी है, जो भ्रष्टाचार वाला राज है, जो आतंक राज है, जंगल राज है, उसका खात्मा कुरन्नी के चुनाव से होगा और हम लोग निश्चित रूप से विजय की ओर। जीत केदार गुप्ता का नहीं है, ये जीत कुरन्नी के जनता का है। और पहले के लोग कहते थे कि जिसका सवेरे अच्छा उसका शाम अच्छा। परसेंट जीत पहले भी था और आज भी है। स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ जे बिहार में जितने भी हमारे विपक्ष पार्टी जो विरोधी बैठे हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ के सीट कुटनी विधानसभा उपचुनाव हम जीत रहे हैं। बस जिस प्रकार से महागठबंधन बढ़त रहे थे, क्या लग रहा था माहौल? दिल बैठ गया था, एकदम दिल बैठ गया, लेकिन अब बीच सांस में सांस आया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सुंदरम कुमार। लगातार कुटनी उपचुनाव में दिलचस्प लड़ाई बनी हुई है, कभी जदयू तो कभी भाजपा, कभी महागठबंधन तो कभी भाजपा। लेकिन लगातार जो जेडीयू बढ़त बढ़ाई हुई थी, इस बार 19वें राउंड में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, 56 वोटों से भाजपा के केदार गुप्ता 19वें राउंड में आगे आ गए, जिसके बाद जो चेहरे पे मायूसी देखी जा रही थी भाजपा के पक्ष में जो लोग आए हुए हैं, केदार गुप्ता के पक्ष में जो लोग आए हुए हैं, उनके चेहरे पर काफी खुशी है। और 56 वोट कहीं ना कहीं जो लीड किए हैं 19वें राउंड में, आप देखिए काफी लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं चुनाव। कुरन्नी जय भाजपा। लगातार जो माहौल बन रहा था जेडीयू उधर धन बल यहाँ जनशक्ति समर्थन आदमी का है। हाँ क्या कहिएगा? हम लोग अब 50 वोट आगे हो गए, हम लोग अब धन बल के आगे जन बल की जीत होगी। देखिए जीतेंगे हम लोग। 56 वोट से 19वें राउंड में केदार गुप्ता आगे हो गए हैं। जो माहौल बना हुआ था, लगातार 5-7 राउंड में जिस प्रकार से जदयू के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे थे, अब 19वें राउंड में आकर के भाजपा खेमे में खुशी की लहर आई है, क्या कहेंगे सर? ये कुरन्नी का चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश बिहार को देने के जा रही है। 7 पार्टी मिलकर लड़ रही है, जातीय समीकरण की गोलबंदी की बात की जा रही है, लेकिन कुरन्नी के जनता ने सारे जातीय समीकरण की बात के और महागठबंधन का जो गुंडागर्दी है, जो भ्रष्टाचार वाला राज है, जो आतंक राज है, जंगल राज है, उसका खात्मा कुरन्नी के चुनाव से होगा और हम लोग निश्चित रूप से विजय की ओर हैं। देखिए लगातार भाजपा के खेमे भी हम मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं। जिंदाबाद कुरन्नी, हम जीतेंगे और माफिया राज ब्लॉक से समाप्त हो गई। क्या कहेंगे सर? देखिए जीत केदार गुप्ता का नहीं है, ये जीत कुरन्नी के जनता का है। और पहले के लोग कहते थे कि जिसका सवेरे अच्छा उसका शाम अच्छा, है ना? जीत इनका एकदम निश्चित है। अच्छा, कुछ देर पहले जो था लगातार महागठबंधन के उम्मीदवार बढ़त बढ़ाए हुए थे। मैदान में होता ही है, पहलवान आगे पीछे होता ही रहता है, लेकिन ये जो है आप निश्चिंत है, हमारी जनता की जीत है। और जो भी पंचायत बचा हुआ है मेरे पास में लिस्ट है, वह मेरा ही पंचायत है। अब कहीं से यहाँ से हमारा जीत चालू, तो जीत हमको कोई पीछे करने वाला है ही नहीं। मनोज कुशवाहा यहाँ से अब 5,000 वोटों से पीछे होंगे, मेरे पास में सारा लिस्ट रखा हुआ है। इससे मनोज कुशवाहा कहीं से आगे नहीं जा रहा है, मैं आगे हूँ। देखिए लगातार जो है नाराबाजी हो रही है, भारत माता की जय मनोज। और देखिए भाजपा खेमे में अभी हम मौजूद हैं, लगातार जो है भाजपा खेमे में खुशी का लहर है और यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लोग लगा रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे, उम्मीद है अब कि भाजपा 100% जीत पहले भी था और आज भी है। हम लोग पहले कह चुके थे केदार गुप्ता 100% जीत रहे हैं, इसका रिकॉर्ड पहले भी हो चुका। दिल बैठा था ये, दिल बैठ गया था थोड़ा देर के लिए। देर के लिए तो आदमी को बुझाता जरूर है, बाकी 100% जीत हम लोग को पहले से भी मालूम हो चुका था, क्या हम लोग क्षेत्र में घूमने से पता चल गया। देखिए तो नारेबाजी हो रही है, बम बम महादेव, केदारनाथ की जय, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और लगातार जो है खुशी के माहौल है, देखिए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा उत्साह जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है और माहौल जो है वो भाजपा के खेमे में आ गया है। 19वां राउंड में जिस प्रकार से भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने बढ़त की है, कहीं ना कहीं काफी जोश है, बताइए। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ जे बिहार में जितने भी हमारे विपक्ष पार्टी जो विरोधी बैठे हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ के सीट कुटनी विधानसभा उपचुनाव हम जीत रहे हैं, बस मेरा यही कहना है। क्या कहेंगे? चुनाव जीत रहे हैं,
से बहुत मत। देखिए अब कुछ ही चार राउंड की गिनती और बाकी है, जैसे ही मतगणना कंप्लीट होगा आगे का अपडेट हम देते रहेंगे। हालांकि 19वें राउंड में भाजपा 56 वोटों से आगे चल रही है, 4 राउंड का और बाकी है। महान पुरानी जनता की जीत है, लगातार देखा गया था बीजेपी 5-7 राउंड में जिस प्रकार से महागठबंधन मटर भराई थी, क्या लग रहा था माहौल, दिल बैठ गया था, एकदम दिल बैठ गया था, लेकिन अब दिल सांस में सांस आया है, सांस में सांस आ गया, माहौल बन गया है, माहौल बन गया। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो देखिए जो भाजपा खेमे के जो है, गुप्ता जिंदाबाद, केदार गुप्ता जिंदाबाद, केदार गुप्ता जिंदाबाद। देखिए लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाइए कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और जय जय के नारे लगा रहे हैं, एकदम केदार गुप्ता भाजपा के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और कार्यकर्ता लोग काफी उत्साहित है, देखिए थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कौन कुढ़नी का किंग बन रहा है। हालांकि अभी भाजपा के पास जैसे ही बहुमत का आंकड़ा जैसे लगा कि हम जीतने वाले हैं, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल गई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार, जैसे ही आगे का अपडेट आएगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।